दोस्तों, अगर आप अपने लिए LG का माइक्रोवेव ओवन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपके पास पहले से LG का माइक्रोवेव ओवन है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको LG के माइक्रोवेव के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। क्योंकि दोस्तों ये LG माइक्रोवेव ओवन डेमो वीडियो है, जहाँ पर आप एक एक इन्फॉर्मेशन को डिटेल में जान पाएंगे, जैसे कि आप केक कैसे बना सकते हैं, पिज्ज़ा कैसे बना सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपके माइक्रोवेव ओवन की लाइफ बढ़े, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर इसी तरीके के वैल्यूएबल वीडियोज मिलते रहेंगे, जो कि आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। सेंटर में लॉक है और यहाँ पे व्हाइट कलर का स्नैप दिया हुआ है, तो ये लॉक उसके अंदर फिट हो जाएगा। उसको आप लेफ्ट राइट हैंड पे घुमाएंगे, ये फिक्स हो जाएगा। ये एक प्रकार से इसका प्लेटफॉर्म है, मतलब ये परमानेंट है। बाई चांस यदि उसमें कुछ गिर जाता है, गंदा हो जाता है, तो आप क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको बाउल को यूज़ करना हो या स्टैंड को यूज़ करना हो, तो वो भी आपको इसी के ऊपर रखना होगा, ठीक है। एक प्रकार से इसका ये परमानेंट बेस है। अब आपको मेन इसमें ये ध्यान रखना है कि घर के कोई से भी बर्तन यूज़ नहीं करना, जो माइक्रोवेव शेप ग्लास के जो बाउल आते हैं, बोरोसेल के, मतलब उन्हीं को यूज़ करना, ठीक है। दूसरा, ये स्टील का स्टैंड है, तो इसका भी हर जगह यूज़ नहीं है, जिस मोड में यूज़ है आपको उसी में यूज़ करना है। बाई चांस जिसमें यूज़ नहीं हो रहा, यदि उसमें करेंगे तो उसमें स्पार्किंग की प्रॉब्लम आएगी, तो वो मैं आपको बताऊँगा कि कौन से मोड में यूज़ करना है। बर्तनों का क्लियर होगा कि आपको ग्लास के अलावा कोई से भी बर्तन यूज़ नहीं करना, यूज़ कर रहे हैं जैसे प्लास्टिक के हैं और माइक्रोवेव प्रूफ है, तो वो ओनली लिक्विड के लिए, उसको आपको ड्राई के लिए यूज़ नहीं करना। लिक्विड के अलावा वो भी ओनली माइक्रो मोड में, जैसे इसमें ग्रिल एंड कन्वेक्शन है, तो उसमें यूज़ नहीं करना। तो कोशिश करें कि ग्लास ही यूज़ करें, और यदि प्लास्टिक करें तो प्रॉब्लम नहीं है, पर सिर्फ माइक्रो मोड में ओनली लिक्विड रेसिपी के लिए। अब आपको देखिए, मेन तो आपको ये तीन मोड का समझना है, सबसे फर्स्ट है माइक्रो, सेकेंड ग्रिल और थर्ड कन्वेक्शन, ठीक है। और ये आप देखेंगे तो ये तीनों मोड हो गए आपके, और यहाँ पे टाइम की कैटेगरी हो गई, ये जैसे सेकंड्स में देना हो या मिनट्स में देना हो या 10+10 करना हो, और ये आपका स्टॉप का और ये स्टार्ट करना है। अब सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं माइक्रो मोड से। माइक्रो मोड आपने प्रेस किया तो इसका यहाँ पे साइन भी आ रहा, सिंबल आ रहा है। तो माइक्रो मोड का मतलब होता है कुकिंग प्लस हीटिंग, कोई भी रेसिपी को आपको पकाना है या बनी हुई रेसिपी को आपको रीहीटिंग करना हो, तो वो किस मोड में होगी, आपके माइक्रो मोड में, ठीक है। इसका बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले आपने माइक्रो सेलेक्ट किया, यहां से आपने टाइम चूज किया और देन स्टार्ट किया, क्लियर। इस मोड के अंदर आपको स्टैंड यूज नहीं करना है, कोई भी एल्यूमिनियम का केक का पार्ट भी यूज नहीं करना है। माइक्रो मोड में आपको ओनली ग्लास या प्लास्टिक यूज कर रहे हैं माइक्रोवेव प्रूफ, तो ओनली लिक्विड आइटम के लिए, क्लियर। सेकेंड मोड है ग्रिल। ग्रिल का बेसिक काम है टॉप से बेकिंग करना। टॉप बेकिंग में जैसे आपको पनीर टिक्का को बेक करना हो, ब्रेड को बेक करना हो, या केक पिज्जा बना आपको लग रहा है उसको और क्रिस्पी करना हो, तो स्टैंड के ऊपर आप जैसे यहाँ पे स्टैंड के ऊपर रख के ब्रेड या पनीर टिक्का को बेक कर सकते हैं। इसका ऑपरेटिंग सेम ही है, आपने ग्रिल प्रेस किया, यहाँ से टाइम चूज किया और देन स्टार्ट किया। थर्ड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब टोटल बेकरी आइटम, जैसे केक, पिज्जा, बाटी, बिस्किट, नान खटाई, ये सब आपका कन्वेक्शन में बनेगा। अब कन्वेक्शन में थोड़ा चेंजेस ये कि आप देखिए, कन्वेक्शन आ रहा है तो ये 180 डिग्री पे आ रहा है, तो कन्वेक्शन को हमेशा प्रीहीट करना पड़ता है, विदाउट पार्टनर के पहले इसको गर्म करना पड़ता है। अब प्रीहीट करने के लिए क्या करना है, पहले तो आपने कन्वेक्शन प्रेस किया, आपको स्टार्ट बटन को 2 टाइम प्रेस करना है। आपने 2 टाइम प्रेस किया तो डिस्प्ले आप देख रहे हैं प्रीहीट आ रहा है, आपको इसका टाइम सेट नहीं करना है। जैसे प्रीहीट होगा दोबारा यहाँ पे 180 डिग्री शो करेगा, उसके बाद आपको इसको स्टॉप करना है, डोर ओपन करके आपको रेसिपी को अंदर रखना है, देन उसके बाद यहां से टाइम चूज करके ओवर स्टार्ट करना है। तो आपने ये देखा कि कन्वेक्शन में चेंज क्या है कि इसको पहले से प्रीहीट करना पड़ता है। टोटल जितने भी बेकरी आइटम है वो सब आपके कन्वेक्शन में बनेंगे। उसके अलावा आप इसमें देखेंगे तो इसमें 2 स्टैंड है, एक लो रेक और एक हाई रेक, छोटा स्टैंड और बड़ा स्टैंड। अब इसका यूज ये है कि बाई चांस आप केक पिज्जा बना रहे और वो बाउल के अंदर है, तो आपको छोटे स्टैंड के ऊपर रखना है, और यदि आप बाटी बना रहे हैं या ब्रेड को आप बेक कर रहे हैं तो आपको हाई रेक पे रखना है, ठीक है। सिर्फ आपको ये स्टैंड का यूज ग्रिल और कन्वेक्शन में, माइक्रो मोड में यूज नहीं करना, वो क्लियर आपको। तो मेन यही है कि आप कोई भी रेसिपी बना रहे, बनाने से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वो किस मोड में जाएगी, माइक्रो ग्रिल या कन्वेक्शन में,
टाइमिंग की तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा। एक सिंपल सा लॉजिक और ये है कि जो आप गैस चूल्हे पे कुकिंग करते हैं, टोटल कुकिंग का काम है या हीटिंग का काम है, वो सब किस मोड में होगा आपका? माइक्रो मोड में। क्लियर? ऑटो कुक रेसिपी मतलब कंपनी ने बाय डिफॉल्ट इस बुकलेट के अंदर ऑटो कुक मतलब प्रीसेट रेसिपी है। यदि आप देखेंगे तो कंपनी इसमें 151 रेसिपी ऑटो रीसेट है, मतलब आपको 151 रेसिपी में आपको टाइमिंग सेट नहीं करना है, प्लस किस मोड में जाना वो आपको सेट नहीं करना, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर प्रीसेट है। अब इसका सिंपल सा लॉजिक है, एक मेथड है कि जैसे एग्जांपल के यहाँ पे इंडियन कुजिन लिखा हुआ है, तो आपको इंडियन कुजिन जो लिखा हुआ है तो इस इंडियन कुजिन में रेसिपी की लिस्ट दे रखी है। अब एग्जांपल के लिए इसमें से आपको कोई भी रेसिपी चूज करना, जैसे आपको बनाना है दम आलू, तो दम आलू के सामने नंबर लिखा है IC7, तो सिंपल लॉजिक है आपको इंडियन कुजिन में जाके IC7 सेट करना है। देन आप देखेंगे तो यहाँ पे पेज नंबर मेंशन है, तो उस पेज नंबर पे आपको आपको ये चेक करना है कि दम आलू की क्वांटिटी कितनी रखना है, मतलब उसमें क्वांटिटी दी, देन उसके लिए आपको कौन सा यूटेंसिल्स यूज करना है, पूरी उसके अंदर मेथड दी हुई है। जैसे आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दम आलू के लिए उन्होंने IC7 दिया हुआ है, और यूटेंसिल्स में उन्होंने दिया है आपका माइक्रोसेप बाउल, देन वेट लिमिट दी है 0.1 से 0.3, मतलब 100 ग्राम से आप 300 ग्राम तक बना सकते हैं। तो आपको सिंपल प्रोसीजर है, सबसे पहले कोड सेट करना है इंडियन कुजिन में जाके, देन उसके बाद वेट सेट करना। तो आपने सबसे पहले तो डोर क्लोज किया, आपने इंडियन कुजिन की यहाँ पे की देखी है, जैसे इंडियन कुजिन है तो अभी कोड आ रहा IC1, आपने इसी को प्रेस करते गए तो यहाँ पे कोड आया IC7। क्लियर? अब नेक्स्ट में दिया है कि इसका वेट सेट करना है, तो वेट सेट करने के लिए आपको माइनस बटन प्रेस करना है। जैसे माइनस बटन प्रेस करेंगे तो जो मिनिमम वेट है वो आ जाएगा, जैसे मिनिमम है इसमें 100 ग्राम, बाई चांस आपको लग रहा है क्वांटिटी बढ़ाना है तो ये जो मोर है आप इससे प्लस कर सकते हैं, तो 200 ग्राम होगा। अब आपने क्या किया, आपने कोड सेट किया और वेट सेट किया, अब इसको जैसे स्टार्ट करेंगे तो उस वेट के हिसाब से वो टाइमिंग भी ले लेगा, प्लस किस मोड में जाना है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ पे दो चीज आपको सेट नहीं करना, ऑटो कुक में टाइमिंग सेट नहीं करना है और मोड सेट नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक सेट कर लेगा। आपको सिर्फ दो चीज सेट करना है, उस रेसिपी का कोड उस की में जाके सेट करना है। क्लियर? तो आप चाहे तो 151 रेसिपी जो आपने मॉडल परचेस किया इस मॉडल में प्रीसेट की हुई है, जिसमें कि आपको कुछ भी सेट नहीं करना। आप देखेंगे तो इसमें सभी दिया हुआ, जैसे लो कैलोरी है, स्टीम कुक है, किड्स डिलाइट है, पनीर आपको कट कैसे बनाना है, टोटल यहाँ पे प्रोसीजर दी हुई है। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये ऑटो कुक मेनू जिसमें बाय डिफॉल्ट सेट है, और ये आपके तीनों मोड हो गए, और ये टाइम की कैटेगरी हो गई, प्लस और माइनस आपका वेट सेट करने के लिए यूज होगा, प्लस और माइनस कन्वेक्शन की डिग्री इंक्रीज या प्लस करने के लिए यूज होगा। अब सबसे लास्ट क्लीनिंग पे आते हैं। इसको क्लीन करने के लिए आप देखेंगे तो कंपनी ने एक बढ़िया प्रोसीजर दिया जिसमें लिखा स्टीम क्लीन। स्टीम क्लीन प्रोसीजर है प्रोडक्ट को क्लीन करने के लिए, या आप वीक में या 15 डे में, यूज के ऊपर डिपेंड है, वन टाइम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ग्लास का बाउल लेना है, उसमें एक ग्लास पानी डालना है, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो 300 ml दिया हुआ है, 300 ml वाटर फिल करना है। देन एक लेमन, आपको लेमन का जो जूस है उसको निकालना है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टीम क्लीन ऑप्शन दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले स्टीम क्लीन और देन स्टार्ट कर देना है। अब जैसे स्टार्ट करेंगे तो 10 मिनट के लिए बाय डिफॉल्ट माइक्रोवेव उसमें ऑन हो जाएगा और काफी स्टीम जनरेट करेगा। उसके बाद प्लग निकाल के साफ कपड़े से आप क्लीन करेंगे तो ऑयल इजिली निकल जाएगा, इसको बोलते हैं स्टीम क्लीन प्रोसीजर। तो ये क्लीनिंग की प्रोसीजर हो गई। दूसरा, कंपनी ने पूरा यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है कि कौन से यूटेंसिल्स किसमें यूज होगा, आप ये पूरा देख सकते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ जो बाय चांस आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे तो प्लास्टिक ओनली माइक्रोवेव में यूज कर सकते हैं, बाकी ग्रिल कन्वेक्शन में यूज नहीं करना है। और आप देखेंगे तो जो ग्लास है वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब आप सभी मोड में यूज कर सकते हैं। अब दूसरा ये देखेंगे इसका जो स्टैंड है, स्टैंड का यूज ओनली ग्रिल और कन्वेक्शन में है, आपको माइक्रोवेव में यूज नहीं करना है। जो इसको साफ करते हैं वो गीले कपड़े से करते हैं? नहीं, नॉर्मली जैसे अंदर से क्लीन करने का पूछ रहे हैं, अंदर से क्लीन करने के लिए देखिए वो डिपेंड करता है, अंदर जैसे ज्यादा ऑयल लगा हुआ है तो आप ये लेमन वाटर और स्टीम क्लीन वाला प्रोसीजर कर सकते हैं, बट आप डेली यूज करो और आपको लग रहा है खाली मॉइस्चर जमा हुआ है तो आप सॉफ्ट कपड़े से, सूखे कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। इसमें दो चीजें ज्यादा होती है, कुछ लोग चाय ज्यादा बनाते हैं और पिज्जा वगैरह इसमें ज्यादा, या फिर कोई सा भी चीज आती है गर्म करने के लिए, तो तीन बेसिक चीज आप बताओ। देखिए जैसे कोई भी चीज आपको गर्म करना है तो बाय डिफॉल्ट कंपनी ने क्या है कि आप देखेंगे तो यहाँ पे 30 सेकेंड के लिए दिया हुआ है क्यूक स्टार्ट। तो कोई भी चीज गर्म करना है तो आपको बिल्कुल इजीली डायरेक्टली स्टार्ट कर देना। आप डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो 30 सेकेंड के लिए माइक्रो मोड बाय डिफॉल्ट सेट है, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपको कोई भी चीज गर्म करना है तो
तो किसी भी मोड को प्रेस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली स्टार्ट कर दे वाला, ठीक है, 30 सेकंड के लिए आपको टाइमिंग इंक्रीज करना है तो इसी का 30 का प्लस होता जाएगा। मतलब यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि स्टार्ट बटन के अंदर बाय डिफॉल्ट माइक्रो मोड सेट है। जी अरे चाय वगैरह, अब जैसे आपको चाय गर्म करना है तो जैसे आपने अंदर एग्जांपल में बनी चार उसको गर्म करना है तो डायरेक्टली आप कप अंदर रख सकते हैं, वो चाय गर्म करना है तो वो तो 10 सेकंड में हो जाएगी, 10 सेकंड में, तो आपको 10 सेकंड और देन स्टार्ट, ठीक है ना। टाइमिंग डिपेंड करता जो आप वेट रख रहे हैं उसकी क्वांटिटी पे, टाइमिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे टाइम एग्जिट क्लियर हो जाएगा, पर नॉर्मली कम वेट है तो 30 सेकंड, 1 मिनट या 10 सेकंड में। देखिए चीनी का इसलिए रख सकते हैं, यदि कम टाइम के लिए रख रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यदि आपने लॉन्ग टाइम के लिए रखा तो चीनी हीटिंग की वजह से वो क्रैक हो जाएगा, मतलब क्योंकि वो अल्टीमेट माइक्रोवेव प्रूफ नहीं है, मतलब तो आपका यूटेंसिल्स खराब हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा आपने को बोरोसेल या जो कंपनी रिकमेंड करती है, बोरोसेल तो एक ब्रांड का नाम हो गया, पर जो माइक्रोवेव प्रूफ जो कंपनी है जैसे बोरोसेल है, टेरो है या अदर जो भी आप ब्रांड यूज करो उस पे यूटेंसिल्स पे लिखा है कि ये माइक्रोवेव प्रूफ है तो आप यूज कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं कि बोरोसेल का ही यूज करना, बोरोसेल एक कंपनी है, देन जितनी भी कंपनियां आपको उस पे लिखा है बैक साइड बॉक्स पे कि ये माइक्रोवेव प्रूफ है तो आप यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें स्टेबलाइजर वगैरह तो नहीं लगाना? देखिए इसमें स्टेबलाइजर की इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो लॉन्ग टाइम यूज नहीं होता, जैसे एग्जांपल के लिए फ्रिज है जो 24 आवर्स ऑन रहता है तो उसमें आप स्टेबलाइजर लगा सकते हैं, पर इसमें ऐसे स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी इसमें कुछ सावधानी रख सकते हैं? आपको सावधानी ये विशेष को रखना है कि जैसे आप केक पिज्जा बना रहे या आप एसी रेसिपी बना रहे जो काफी लॉन्ग टाइम के लिए इसको यूज कर रहे हैं 10 मिनट से ऊपर के लिए, तो आपको इसको कवर करके नहीं रखना है, कोई भी चीज इस पर रखी हुई तो उसको हटा देना है और आपको नॉर्मल भी कवर नहीं करना, क्योंकि ये जब भी आप कंडक्शन चलाएंगे तो पूरी बॉडी इसकी हीट होती है। एक तो ये सावधानी रखना है, दूसरा आपको उसके बैक साइड स्पेस रखना है, बैक साइड कोई भी आपको चीजें नहीं रखना है क्योंकि उसको एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर रिक्वायरमेंट है। दूसरा पानी, ये जो पूरा टच है इसमें आपको गीला कपड़ा नहीं लगाना है, गीला कपड़ा लगाने से ये इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और सेफ्टी के लिए आपको ध्यान रखना है कि जैसे प्रोडक्ट आपका ऑन है तो आपको इसको डायरेक्टली ओपन नहीं करना, आपको यदि उसको बीच में चेक करना है जैसे ये स्टार्ट है और आपको चेक करना है तो यहाँ से स्टॉप करें, स्टॉप करने के बाद डोर ओपन करके फिर चेक करेंगे, डायरेक्टली ओपन नहीं करना। और अब जब यूज नहीं आ रहा तो सेफ्टी पर्पज से इसको आप ऊपर से हमेशा ऑफ करके रखना, मतलब डायरेक्टली वहां से कंटिन्यू ऑन नहीं रखना है, वो कंटिन्यू ऑन रखेंगे तो जब पावर का कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का तो ये मदरबोर्ड खराब होने के चांसेस रहते हैं। हाँ, हमेशा उसको यूज नहीं आ रहा तो ऊपर से ऑफ कर। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट डिटेल्स एलजी के माइक्रोवेव के बारे में, जो कि आपने इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जरूर समझी होगी और अच्छे से जानी होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कीजिए और अपने सवाल जरूर पूछिए, आपके सवालों की इन्फॉर्मेशन आपको 24 आवर्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।